तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा फटाफट खबरें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी CAA और NRC का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें। पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को 9 मुस्लिम लोगों ने लिखी चिट्ठी, कहा बाबरी मस्जिद की जमीन के आसपास हैं मुसलमानों की कब्रें, कब्रों पर कैसे बन सकता है राम मंदिर। भाई मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इलाके के 9 मुस्लिम लोगों ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो है ट्रस्ट से मांग की है कि मुसलमानों की 4 से 5 एकड़ जमीन पर हैं कब्रें और कब्रों पर ट्रस्ट मंदिर ना बनाए, कब्रों की जमीन को छोड़कर मंदिर बनाए। भाई मैं आपको बता दूं, 9 मुस्लिम नागरिकों ने वकील के माध्यम से ट्रस्ट को चिट्ठी भेजी है और केंद्र सरकार की ओर से साल 1993 में अयोध्या में अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने राम मंदिर के लिए दे दी। इस जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थी, केंद्र ने इस पर विचार नहीं किया कि मुस्लिमों की कब्रों पर भव्य मंदिर नहीं बन सकता, ये धर्म के खिलाफ है। चिट्ठी में कहा गया है कि आप सभी समाज के जागरूक लोग हैं, आपको सनातन धर्म की जानकारी है, आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्या राम मंदिर की नींव मुस्लिमों की कब्र पर रखी जा सकती है। इसका फैसला ट्रस्ट के मैनेजमेंट को करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार चिट्ठी में ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 1855 के दंगों में 75 मुस्लिम मारे गए थे और सभी को इसी बाबरी मस्जिद की जमीन में दफन किया गया था। अब मांग है उन लोगों की कि उस जमीन को छोड़कर राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो पूरे जमीन पर 67 एकड़ पर मंदिर बनवाए, लेकिन जहां पर मुसलमानों की कब्रें हैं 4 से 5 एकड़ जमीन पर, उस जमीन को जो है ट्रस्ट छोड़ दे, क्योंकि वहां मुसलमानों की कब्रें हैं, अगर कब्रों पर मंदिर बनेगा तो ये धर्म के खिलाफ है। अब देखते हैं साधु संत इस पर क्या जवाब देते हैं और जो ट्रस्ट है वो क्या जवाब देता है। अगली खबर की ओर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC को लेकर बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही इन कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं उन्होंने NPR को लेकर कहा कि जिस समय भारत में जातीय जनगणना हो जाएगी उस समय हिंदू मुसलमान का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का दावा किया था, लेकिन इसकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सांड और गायों को छोड़ दिया है। जिस जगह भी मैं जाता हूं वहां पर किसान तारों को खेतों के ओड़े पास लगाए बैठे रहते हैं और फिर भी उनकी फसलें नहीं बच पा रही है। हमारी सरकार आते ही इस तरह की परेशानी उत्तर प्रदेश के किसानों को झेलनी नहीं पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है। अगली खबर की ओर बात करते हैं, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध, कहा हम नहीं बदलेंगे अपना प्रदर्शन स्थल चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। भाई मैं आपको बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों को आदेश दिया था कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करें और उन्हें प्रदर्शन स्थल बदलने के लिए मनाएं, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पता चला तो उन्होंने प्रदर्शन और तेज कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन प्रदर्शन स्थल नहीं बदलेंगे। वहीं जिन 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कह रहा है देश में इतनी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहां कहां के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, जब इन कामों में टाइम वेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, इससे अच्छा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर ही फैसला सुना दे सुप्रीम कोर्ट कि ये देश में लागू होगा या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ना सुनाते हुए सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि एक तरफ सरकार उन पर लठ बजा रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। अगली खबर की ओर बात करते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा का शाहीन बाग पर बड़ा ऐलान, कहा कि जलियांवाला बाग भी बनाना पड़े तो शाहीन बाग को हम बनाने के लिए तैयार। भाई मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारकर सुर्खियों में आई
अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुंड पांडे के पति अशोक पांडे अब विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि चाहे भले ही शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाना पड़े, लेकिन इस प्रकार के धरना प्रदर्शन रुकने चाहिए। सरकार को पुलिस को बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि इन धरना प्रदर्शनों का केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ का पूरा स्टाफ प्रदर्शनकारियों को सहायता पहुंचा रहा है। तो हिंदू अखिल महासभा का ये कितना विवादित बयान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी और कहा कि मैं ऐसे ही महात्मा गांधी को मारता रहूंगा। जो हमारे राष्ट्रपिता के गोली मार रहा है वो किस तरह से देशभक्त हो सकता है। सरकार को ऐसे आतंकवादियों पर जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए और दिल में डालना चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अगर कोई मुसलमान गांधी जी के पुतले में इस तरह से गोली मारता तो वो अब तक उस पर NSA और जाने कौन कौन से देशद्रोही के मुकदमे लगाकर सरकार जेल में डाल देती। लेकिन ये हिंदू हैं और इसलिए इन पर सरकार कुछ नहीं कह रही है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं के CA विरोध प्रदर्शन को लेकर अब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं को शामिल होते देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी की सराहना की और उन्होंने महिलाओं की तारीफ की। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक महाजन ने कहा, चाहे दिल्ली हो या इंदौर, मुस्लिम महिलाओं का घरों से निकलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे उनमें जागरूकता बढ़ेगी और वे भविष्य में अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकेंगी। ये अच्छी बात है कि अब वे सड़कों पर उतरकर अपना विचार सामने रख रही हैं। सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिलाओं का किसी मुद्दे पर विचार रखना हमेशा अच्छा लगता है। अब बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। हालांकि मुझे ये देखना होगा कि ये महिलाएं मुद्दों को सही समझ रही हैं कि नहीं। ये मुस्लिम महिलाएं घरों से निकलकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों को इसके लिए धन्यवाद देती हूं, क्योंकि इससे पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो ये है पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का जो है मुस्लिम महिलाओं को फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्लिम महिलाएं इस तरह से घरों से निकलकर जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं और मैं उनके साथ हूँ। तो लोकसभा स्पीकर ने साफ साफ कह दिया कि मैं नागरिकता संशोधन कानून के जो मुस्लिम महिला विरोध कर रही हैं उनके मैं साथ हूं और उनका समर्थन करती हूं। अगली खबर की ओर बात करते हैं। भीम आर्मी का 23 फरवरी को भारत बंद का ऐलान, पुलिस खुफिया विभाग अलर्ट। भाई मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 23 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने 5 कमेटियों का गठन कर सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में बंद के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को कहा है। इसके बाद से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिले में सक्रिय हो गए हैं और बंद को सफल बनाने के लिए लोगों के साथ आने का आवागमन कर रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने आरक्षण के खिलाफ ये भारत बंद को सफल बनाने के लिए कदम उठाया है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जो है आरक्षण को खत्म करने के लिए कहा, इसी के बाद जो है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि 23 फरवरी को भारत बंद होगा। भाई मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद पहले भी CA, NRC और NPR को लेकर जेल भी जा चुके हैं और उन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अब भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने 23 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड की 2020 की परीक्षा शुरू, 10वीं 12वीं दोनों की ही आज परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने तैयारी पूरी की है ताकि नकल परीक्षा ना कराई जा सके। बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 6 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा शहर के 128 सेंटरों पर आयोजित की जाएंगी। इस बार बोर्ड परीक्षा में नकल को काफी सख्त
रोकने के लिए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगवाए हैं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए सेंटर्स भी बनवाए गए हैं। इस बार बोर्ड की परीक्षा में 56,07,118 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड ने सभी तैयारी पूरी कर ली है कि किस तरह से नकल को रोका जाए। वहीं परीक्षा के लिए प्रवेश भर में बनाए गए 7,784 परीक्षा केंद्र, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर के साथ राउटर ब्रॉडबैंड भी लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों की नकलों में बनाए गए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। नकल रोकने के लिए 4 कलर में तैयारी कराई गई है।